टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिमंडी नासिक महामार्ग पर 3 घंटे में 3 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। एक कंटेनर, एक ट्रक और एक टैंकर, ये तीनों गाड़ियां लगभग 30 फीट गहरी खाई में गिर गए हैं। ये तीनों हादसा 2 से 4 मीटर की दूरी पर हुआ है। ये घटना कल सामने आई है। जिस वक्त ये घटना हुई है, रिमझिम रिमझिम उस वक्त बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से रोड पर काफ़ी फिसलन था। पिपलांस फाटा के पास ढलान पर ड्राइवरों के अनुसार ब्रेक लगाने की कोशिश उन्होंने की, मगर टायर स्लिप होकर ये वाहन खाई में गिर गए। ये तीनों गाड़ियां 3 घंटे के अंदर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें से एक ट्रक में भंगार भरा हुआ था और एक टैंकर जो है वो LPG गैस से भरा हुआ था और एक कंटेनर भी जो है उसमें सामान लोड था। भंगार ट्रक ड्राइवर कमरुद्दीन चौधरी, कंटेनर ड्राइवर नावेद खान और LPG गैस ड्राइवर मुश्ताक अहमद ने बताया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बच जाएंगे, मगर उनकी जान बच गई। मौके पर प्रशासन के लोग पहुंच गए और गहरी खाई से वाहनों को निकालने का काम शुरू किया गया। बहरहाल इस पूरे हादसे में किसी को चोट नहीं। नाम आपका? नावेद खान। कैसे क्या हादसा हो गया? हादसा ये हुआ, गाड़ी मैंने ओवरटेक किया, ठीक है, ब्रेक लिए, ब्रेक नहीं आए, जब स्टीयरिंग काटा तो स्टीयरिंग फेल हो गया, ब्रेक भी नहीं आया ना, स्टीयरिंग फेल हो गया, गाड़ी इधर आके गिर गया। कितने बजे हुआ ये हादसा? ये पिछले वाला गाड़ी जो गिरा है वो गिरा है 7 बजे, ठीक है। हाँ। मेरी गाड़ी गिरी है 7:30 बजे, आधा घंटा का आगे पीछे हुआ है।